ओके हेलो फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पॉइंट वी आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू इज कि हमें कोरोना पेशेंट में टेस्ट कब और कौन से कराने होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स के ये कन्फ्यूजन का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब सीटी करें कि ना करें, चेस्ट का सीटी स्कैन करें या ना करें, ब्लड टेस्ट कौन से और कब करें। तो टेस्ट हम कर सकते हैं पेशेंट के, बट हमें ये अगेन हमें ये याद रखना है कि जो हमने पहले वीडियो में बात किया था कि कोरोना का जो आपका सिवियरिटी है, कोरोना की जो क्लासिफिकेशन है वो सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट के बेसिस पे नहीं है। जो क्लासिफिकेशन है वो हमारी ऑक्सीजन लेवल्स के हिसाब से है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि अगर मान लो मेरा एक कोई दमे का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, जिसके फेफड़े ऑलरेडी खराब हैं, अगर उसमें 10% भी मेरा निमोनिया होता है सीटी स्कैन में, हो सकता है उसका सैचुरेशन 90 से कम चला जाए, वो पेशेंट सीरियस है। और अगर मेरा एक यंग पेशेंट है 20-25 ईयर्स का, जिसके लंग्स बिल्कुल हेल्दी हैं, उसमें हो सकता है अगर 20% निमोनिया भी हो जाए तब भी हो सकता है कि उसका सैचुरेशन 97 ही मेंटेन करे पेशेंट। तो वो डिस्पाइट हैविंग अ सिवियर निमोनिया ऑन अ सीटी स्कैन, अगर मेरा सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है पेशेंट तो वो हमारा लो रिस्क में है। तो सीटी स्कैन का एक्चुअली रोल तब आता है जब हम पेशेंट के बीच में फंसे हुए हैं कि मेरा सैचुरेशन 94-95 आ रहा है, मुझे ये नहीं पता कि आगे मेरा वो कम होगा या बढ़ेगा, तब मैं अपना सीटी स्कैन करके देख सकता हूँ। अगर सीटी स्कैन में मेरा निमोनिया बड़ा है, ऑक्सीजन लेवल मेरा बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, तो आई कैन सी कि ओके मेरा फॉल होने का चांस ज़्यादा है, तो मैं उसके हिसाब से अपना एडमिट होने का डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकता हूँ। सेम चीज़ मेरे ब्लड टेस्ट की है। ब्लड टेस्ट में हमें कोरोना के एक तो हमारे लंग के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बॉडी में 2-3 तरह के और अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके लिए हम कुछ पेशेंट्स के ब्लड टेस्ट कराते हैं। नॉर्मली जैसे हमने बात किया था कि कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली 5th to 8th डे के बीच में पेशेंट्स के ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो हम पेशेंट के 5th-6th डे ही ये सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो वो ब्लड टेस्ट मैं आपके लिए एक बार लिस्ट कर देता हूँ जो हम कॉमनली अपने पेशेंट्स का कराते हैं, तो आप अपने वो 5th-6th डे के अराउंड कर सकते हैं। या फिर हमें अगर 5th-6th डे से पहले लगे कि यार कुछ अलग लग रहा है, सांस फूल रहा है या कोई दिक्कत लग रहा है, तो हम ये ब्लड टेस्ट जल्दी भी करके अपना रिस्क फैक्टर असेस कर सकते हैं। आई जस्ट रीड वेरी क्विकली ऑल द ब्लड टेस्ट जो हम पेशेंट्स के नॉर्मली कराते हैं। तो हम CBC, ESR, CRP, इंटरल्यूकिन 6, डी डाइमर, LDH और फेरिटिन, ये पेशेंट्स के हम अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं। नॉर्मली हम उनको 5th-6th डे ही रिकमेंड करते हैं टेस्ट करा के। इनके लेवल्स थोड़े बहुत ऊपर आते हैं लेकिन इनके लेवल्स यू हैव टू डिस्कस विद द डॉक्टर। ये ब्लड टेस्ट आई विल नॉट एडवाइस कि आप खुद बैठ के अपने आप इंटरप्रेट करें, क्योंकि वहां पर कुछ गड़बड़ होने का चांस हो सकता है। द नेक्स्ट थिंग, ट्रीटमेंट। तो हमें अपना ये हमेशा याद रखना है कि माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। अगर आपका मॉडरेट या सिवियर है, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से ड्रॉप कर रहा है, आपको हॉस्पिटल जाके एडमिट होना ही होना है। 92-93 सैचुरेशन पे या 90 से कम सैचुरेशन पे घर पे ट्रीटमेंट करने की ट्राई नहीं करनी है। कोरोना में जैसे ही ऑक्सीजन ड्रॉप करने लगे उसी टाइम ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट करो तो रिजल्ट्स आउटकम बेटर होता है। जितना ट्रीटमेंट डिले होगा उतना हमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बट ये मैं बात कर रहा हूँ मॉडरेट या सिवियर, यानी कि जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से नीचे आने लगे। अगर मेरा सैचुरेशन 95 प्लस रहता है, जो मैक्सिमम पेशेंट्स का रहेगा, इसका मतलब आप माइल्ड कैटेगरी में हो। माइल्ड कैटेगरी में क्या ट्रीटमेंट चाहिए, तो अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग गाइडलाइंस, अलग अलग ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हैं। एम्स और ICMR जो इंडिया की नेशनल गाइडलाइंस हैं, वो बोलते हैं माइल्ड कोरोना ट्रीटमेंट में, माइल्ड कोरोना में हमें नॉर्मली कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता। हम अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिंक और विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन कोई एंटीबायोटिक या कोई और किसी तरह की दवाई लेने का माइल्ड कोरोना में जरूरत नहीं है, ना कोई उसका रोल है। अगर वो मेरा माइल्ड से मॉडरेट या सिवियर की तरफ बढ़ता है तो पेशेंट को एडमिट करके उसका इलाज करना है। ऑलराइट, माइल्ड में कुछ लोग फेविप्रविर करके एक एंटीवायरल दवाई आती है वो रिकमेंड करते हैं, कुछ लोग डॉक्सी आइवरमेक्टिन, एंटीबायोटिक्स और एंटी पैरासिटिक मेडिसिन आते हैं उसका कॉम्बिनेशन रिकमेंड करते हैं। तो अलग अलग गाइडलाइंस अलग अलग चीज़ें रिकमेंड करती हैं। ICMR के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके डॉक्टर ने आपको फैमीफ्लू या आइवरमेक्टिन डॉक्सी का कॉम्बिनेशन इनमें से कुछ एडवाइस किया है, यू कैन टेक इट, दे आर सेफ मेडिसिन और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन जो पेशेंट हमसे कॉमनली पूछता है वो है कि
डॉक्टर साहब रिपीट टेस्ट कब करें? और ये सबकी बड़ी कॉमन कंफ्यूजन है। रिपीट टेस्ट वो अपनी तसल्ली के लिए भी पूछ सकता है, उसके ऑफिस वाले मांग सकते हैं, उसके सोसाइटी वाले मांग सकते हैं। तो हमें रिपीट टेस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझनी और इन्फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। रिपीट टेस्ट में सबसे पहले ये समझिए, रिपीट टेस्ट की कोरोना में कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप माइल्ड कोरोना हैं और अगर आप होम आइसोलेशन में थे, तो रिपीट टेस्ट ICMR या एम्स के गाइडलाइन के हिसाब से आपको रिपीट टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होता। और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, ये UK और US में भी सेम गाइडलाइंस हैं कि रिपीट टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर माइल्डर पेशेंट्स। उसका रीज़न है कि जब आपका हम 17 दिन का आइसोलेशन हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं फ्रॉम द डे ऑफ देयर सिम्टम्स, कि अगर मुझे 1 तारीख को बुखार आया था तो 17 दिन के बाद मेरा आइसोलेशन पीरियड इज ओवर और अब उसके बाद मैं 18वें दिन से फ्री हूँ, अब मेरा कोरोना इन्फेक्शियस नहीं है। तो अब वो जो कोरोना मेरे अंदर बॉडी के था ना, वो मैं किसी और को दे सकता हूँ 17 दिन के बाद, ना वो कोरोना मेरी बॉडी में मुझे कोई इफेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है वो कोरोना इज ओवर, कोरोना का जो वो एपिसोड था वो मेरा खत्म हो गया। तो रिपीट टेस्ट में क्या नुकसान है, क्योंकि जो RT-PCR टेस्ट होता है वो किसी किसी पेशेंट का 2-2, 3-3 महीने तक पॉजिटिव आ सकता है। तो पेशेंट पूछता है, डॉक्टर साहब जब मेरे को कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है तो मेरा टेस्ट क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि जो RT-PCR टेस्ट है कभी कभी वो वायरस के पार्टिकल या डेड वायरस को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो वो वायरस जो हमारी बॉडी से खत्म हो गया है उसका कोई छोटा सा पार्टिकल अंदर है जो नुकसान नहीं कर रहा, जो किसी और को कोरोना नहीं फैला रहा, टेस्ट उसको भी डिटेक्ट करेगा और आपको 2 महीने तक हो सकता है रिपोर्ट पॉजिटिव दिखाता रहे। तो आप अपने पैसे भी वेस्ट करेंगे और आप डर भी क्रिएट करेंगे कि अरे मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो रिपीट टेस्ट इसलिए करना ही नहीं चाहिए और उसका ना कोई फायदा है। अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ रहा है 20 दिन के बाद, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप इन्फेक्शियस हैं या आप किसी और को कोरोना फैला सकते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना अभी भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो रिपीट टेस्ट नहीं करना है, ये बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है और हर कंट्री की गाइडलाइन है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडिया। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है।